फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव को लेकर लगातार हर दिन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। गुरुवार को ये खबर सामने आई थी कि एल्विश यादव की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से पूछताछ टल गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में नोएडा पुलिस को गिरफ्तार 5 आरोपियों की 2 दिन की कस्टडी मिली है। अब पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करके सबूत जुटाने की न सिर्फ कोशिश करेगी बल्कि आरोपी राहुल और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव का आमना सामना भी करवाएगी। दरअसल 9 नवंबर को पुलिस एल्विश यादव से भी पूछताछ करती, लेकिन एल्विश की तबीयत खराब हो गई, जिससे पुलिस एल्विश से पूछताछ नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि एल्विश को डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट की सलाह दी है। डॉक्टर्स ने एल्विश को डेंगू मलेरिया के टेस्ट करवाने के लिए कहा है। फिलहाल एल्विश निजी अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि पुलिस पहले भी एक बार एल्विश से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इस दौरान पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। अब पुलिस पकड़े गए 5 सपेरों को रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने कोर्ट से पकड़े गए 5 आरोपियों की कोर्ट से रिमांड मांगी है। दरअसल पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो सांप का जहर रेप पार्टियों में सप्लाई करता है। मिली जानकारी के मुताबिक गैंग के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि वो सांप का जहर एल्विश यादव की रेप पार्टियों में भी सप्लाई करता है। बता दें जिसके बाद में पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। फिलहाल देखना होगा कि इस केस में असली सच निकल कर कब सामने आता है, क्योंकि सबकी नजरें टिक गई हैं एल्विश यादव पर। यूपी तक के लिए अरविंद ओझा की रिपोर्ट।